चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। जी हाँ, लखनऊ में शक्ति की भक्ति के पर्व नवरात्र की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। कई स्थानों पर पंडाल सजाए गए हैं जहां विधि विधान के साथ मां दुर्गा की प्रतिमाओं को स्थापित किया जाएगा। तो वहीं लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में राम मंदिर की थीम पर दुर्गा पंडाल को आकार दिया जा रहा है। बंगाल के 80 कारीगरों की टीम पिछले एक महीने से इस काम में लगी हुई। बंसल न्यूज ने दुर्गा पंडाल का जायजा लिया। शक्ति उपासना के प्रतीक नवरात्र को लेकर राजधानी लखनऊ में तैयारियां तेज हैं। इसमें हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में और आप देख सकते हैं कि कितना भव्य और दिव्य दुर्गा पांडाल बनाया जा रहा है। राम मंदिर की थीम पर, यानी राम मंदिर जो अयोध्या में बना है उसी की थीम पर ये पूरा पांडाल बनाया गया है, जिसको बंगाल के कारीगर पिछले एक महीने से बना रहे हैं। 80 लोगों की टीम लगी हुई है और अब इसमें जो है इसकी रंगाई की जाएगी, इसे फाइनल टच दिया जाएगा और 8 तारीख को जो है यहाँ पर जो है भक्तों का आना शुरू हो जाएगा माँ दुर्गा के दर्शन के लिए। चूँकि शक्ति की उपासना होती है, 9 दिन तक नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, अनुष्ठान किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो पंडाल है विशेष इसलिए है क्योंकि राम मंदिर का थीम पर बनाया जा रहा है। हमारे साथ आयोजन समिति के कोषाध्यक्ष आशीष दास गुप्ता जी हैं, उनसे बात करते हैं। आशीष जी, कितने समय से ये पंडाल बनाने का काम हो रहा है? लगभग एक महीना से चल रहा है। एक महीने से चल रहा है काम। अच्छा, कितने लोगों की टीम आई हुई है बंगाल से? लोगों का टीम है 80 लोग। 80 लोगों का टीम। अब इसमें क्या होगा? अब हम देख रहे हैं कि पंडाल का स्ट्रक्चर बन चुका है, तो अब रंगाई उंगाई होगी, लाइटें वेटें लगेंगी? हाँ, लाइटें लगेंगी, हाइड्रोलिक स्प्रे होगा, उससे कलर किया जाएगा, उसके बाद ही जो है ये दरबार के लिए खोल दिया जाएगा पब्लिक के लिए। माँ दुर्गा की मूर्ति कब स्थापित होगी यहाँ पे? 8 तारीख को। प्रतिदिन कितने दर्शक आते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करने आते हैं, लोग आते हैं जो अपने परिवार के साथ दर्शन करते हैं माँ दुर्गा का, तो कितने लोगों की भीड़ आती होगी? ऐसे है कि अष्टमी से ज़्यादा लोग आते हैं, षष्ठी सप्तमी से 20,000 लोग मानते हैं। नवरात्र बहुत ही एक महत्वपूर्ण पर्व है हिंदुओं का और जो है इसीलिए माँ दुर्गा की पूजा इसमें होती है। 9 दिन तक उनके विभिन्न रूपों की शक्ति की उपासना की जाती है। तो कुल मिलाकर भव्य और दिव्य तैयारियां हैं और आप देख सकते हैं कितना भव्य पंडाल बना है। जब इसमें रंगीन लाइटें लगेंगी, सजावट होगी, इसकी रंगाई पुताई हो जाएगी, माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित हो जाएगी, तो अद्भुत और दिव्य स्वरूप में ये पंडाल नजर आएगा। लखनऊ के जानकीपुरम से कैमरा पर्सन सत्येंद्र कुमार के साथ आलोक राय, बंसल न्यूज़।